हेलो एंड वेलकम बैक। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं गार्लिक नान। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप ऑल पर्पज़ फ्लावर, यहाँ पर है मिल्क पाउडर, यहाँ पर मैंने यूज़ किया है जो डेली वाला कुकिंग सोडा होता है वो, और बेकिंग पाउडर, यहाँ पर है कर्ड, और ये है गार्लिक पेस्ट। यहाँ पर मैंने लिया है ल्यूक वार्म वाटर, इतना गर्म होना चाहिए कि आपकी फिंगर इसमें डिप हो सके। तो चलिए डो बनाते हैं। यहाँ पर पहले हम स्टिफ कर लेंगे मैदा, बेकिंग पाउडर और कुकिंग सोडा को। इन सभी चीज़ों को स्टिफ कर लेने के बाद यहाँ पर हम इसमें ऐड कर लेंगे मिल्क पाउडर, जो कि मैंने इसमें मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है, तो मैं इसमें शुगर नहीं ऐड करूँगी। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप 1/2 टीस्पून शुगर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया है गार्लिक पेस्ट, जो कि ये गार्लिक नान है, तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट टू टेस्ट, और यहाँ पर सॉल्ट टू टेस्ट ने एक्चुअली सॉल्ट 1/2 टीस्पून है इसमें, और यहाँ पर मैंने ऐड किया है 1/2 कप कर्ड का। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से कंबाइन कर लेने के बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे वाटर। पानी को हमने ग्रेजुअली ऐड करना है, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, और हल्का सा सॉफ्ट डो हम इसे बना लेंगे। और मैं डो तैयार कर लूँगी, ये रेस्टोरेंट स्टाइल नान में बना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और मैं इसे रख दूँगी एक साइड पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा डो हल्का सा पफ अप हुआ है। अब मैं इसको छोटे छोटे लेमन बॉल्स के उसकी लेमन बॉल्स में मैं इसको इस तरह से निकाल लूँगी, इसके बॉल्स बना लूँगी, और अब हम इसको कर लेंगे रोल। यहाँ पर हमने लिया है थोड़ा सा मैदे का आटा बेलने के लिए, वरना ये थोड़ा स्टिकी स्टिकी हो जाएगा। ज़्यादा आटा हम यूज़ नहीं करेंगे, बस हल्का सा हमने आटा लगाना है और इसे बेलना है। अगर आप ज़्यादा आटा लगाएंगे तो आपकी रोटी तवे से नीचे गिर जाएगी, जो कि हमें ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए होगा। यहाँ पर मैंने इस तरह से उसे लंबा बेल लिया है, और मैं एक साइड पर, नान की एक साइड पर मैं हाथों से पानी लगा लूँगी। इतना पानी लगाइए कि आपकी नान अच्छी तरह से कच्ची हो जाए। और यहाँ पर मैंने एक तरफ पैन को अच्छी तरह से गर्म कर लिया, एक्चुअली ये तवा है, तो इस पर हम ऐड कर लेंगे नान को। कच्ची साइड जो है हम वो तवे पर ऐड कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून बटर, चॉप्ड कोरिएंडर, और ये है गार्लिक पेस्ट। इन सभी चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी और साइड पर रख लूँगी। ये आप देख सकते हैं ऊपर से नान जब हल्की सी इस तरह से होने लगे, तो हम इस तरह से पैन को, तवे को पलटा लेंगे आग की तरफ। और ये आप देख सकते हैं जब ये हल्की सी इस तरह से डबल हो जाएगी, तो हम उसको तवे से निकाल लेंगे। और मैं बटर और गार्लिक का जो हमने मिक्सचर बनाया था उसको मैं इस पर इस तरह से स्प्रेड कर दूँगी। गर्म नान पर ही हम बटर स्प्रेड करेंगे तो अच्छी तरह से मेल्ट होगा और सारे फ्लेवर्स जो है इस पर आएंगे। और इस तरह से हमने सारे नानों को तैयार कर लिया है। आपको आग को है मीडियम फ्लेम पर रखकर इसे बनाना है। अगर आप ज़्यादा आंच पर रखोगे तो ये अंदर से कच्ची रहेगी और ऊपर से जल सकती है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी